नमस्कार, टीएनबी में आप सभी का स्वागत है। लड़के मेरे पास आए थे, संदीपा का जो भेजे थे मेरे पास कि हम लोग वार्ड में एक ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हो या ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन कैंप हो, इस तरह का जितना सोशल वर्क है, माशाल्लाह से हमारे जितने आसपास के वार्ड है, बहुत जोरों शोरों से होता है इस तरह का काम हम सबके वार्ड में। हम लोग विदाउट सीइंग द कास्ट, विदाउट सीइंग द कम्युनिटी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हम लोग ये सब चीज़ में बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देखते हैं। हम लोग यही देखते हैं कि किस तरह हम सब आवाम के काम है, किस तरह उनकी खिदमत करें। वन कंट्री वन पॉलिसी वन पार्टी होगी, आपका इसका क्या कहना है? पहला चीज तो ये जो चुनाव आने जा रहा है बंगाल में, इसमें भारतीय जनता पार्टी पहली बार एक ऐसा जगह में पहुंच गया है जहां वो बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन बंगाल का हमेशा ये रहा है कि यहां की जनता जो है फिरकाप्रस्ती पसंद नहीं करते, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि हिंदू मुस्लिम सब मिलके पश्चिम बंगाल में भाजपा का सरकार ना आ पाए, इसका कोशिश जो है वो करेंगे। और यहाँ जो ब्लड डोनेशन कैंप जैसा हो रहा है, आज भगत सिंह का जो शहादत दिवस है 23 मार्च को है, उसके दो दिन पहले यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। यही बंगाल का संस्कृति है, यही कोलकाता का कल्चर है, ये बंगाल का कल्चर है, इसको हम सब मिलके बचाएंगे, इसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। स्पार्क फाउंडेशन, यहीं के नौजवानों ने ये स्पार्क फाउंडेशन यहाँ पे गठन किया और करके आप देख ही रहे हैं कि ब्लड डोनेशन जैसा जो बहुत ही अहम काम है समाज के लिए, वो यहाँ पे आज अंजाम दिया जा रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्पार्क फाउंडेशन से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का कि उनका शुरुआत इतना अच्छा हो रहा है। जिसका शुरुआत अच्छा, उसका सब अच्छा, आने वाले दिन में भी ये लोग अच्छा अच्छा काम करेंगे, ये बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। और दादा, आज पीके का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है इस बार नहीं तो लेकिन बंगाल में वो एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। बीजेपी हमें तो नहीं दिख रही है बीजेपी कहीं पर भी। जैसे दिल्ली से ये लोग चार्टर्ड फ्लाइट में आए थे, वैसे ही चार्टर्ड फ्लाइट पकड़ के 2 तारीख को भाग जाएंगे और उसके बाद कभी बीजेपी नाम का कोई दल है ये बंगाल में एहसास भी नहीं होगा। और पीके ने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी की इस बार सरकार होगी, लेकिन अगला इसके बाद अगर होगा तो बीजेपी ही। देखिए, ममता बनर्जी का सरकार होगी ये बात निश्चित है। ममता बनर्जी के साथ बंगाल की आवाम है, ममता बनर्जी के ऊपर बंगाल की आवाम की आशीर्वाद है। 2016 में जब चुनाव हुआ था, पहला 3 चरण के बाद तब का जो जोट का मुख था, जो चेहरा था, सूर्यकांत मिश्र, उन्होंने कहा था कि 100 सीट ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। जब ईवीएम खुला था तब देखा गया था 211। ये साल है 2021, 0 हटा दीजिए, 221 तृणमूल का सीट होकर ममता बनर्जी फिर से 99 में जाएगी। स्पार्क फाउंडेशन का मेंबर्स है, तो ये क्या क्या काम करता है और आज क्या हो रहा है? ये अभी कुछ महीने पहले हम लोग ये फाउंडेशन का स्टार्ट किया है। तो पहला काम हम लोग अभी ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया था, उसके बाद अभी हम लोग ब्लड डोनेशन का काम स्टार्ट किया, वो भी फ्री गिफ्ट। हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं अभी हमारे बंगाल के अवाम को, हमारे हिंदुस्तान के अवाम को, कि ब्लड बहुत कीमती चीज़ है। अगर हम कोई गिफ्ट के लालच में ब्लड आके देते तो वो भी एक शोषण कर रहे हैं हम समाज का। आने वाले जनरेशन को हम कुछ शोषण करना सिखा रहे हैं कि हम ब्लड देके हम ट्रॉली बैग्स ले या प्रेशर कुकर ले। तो हमारा छोटा सा हम लोग एक स्टेप लिया है कि इसके अगेंस्ट काम करें, ब्लड डोनेशन दे, दिल से दे, जो भगत सिंह ने अपने हंसते हंसते फांसी के फंदे में चले गया था, कि आने वाले जनरेशन को कुछ सीख मिले कि कुछ भी काम पैसे के लिए या कुछ चमक धमक के लिए नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी करना है देश के लिए करो, गरीब के लिए करो, एडुकेशन, हेल्थ एंड जॉब फॉर ऑल।
जी ब्लड के बदले नहीं, ब्लड के बदले हम लोग जैसे टिफिन दिया जाता है और एक लंच का इंतज़ाम किया है डोनर्स के लिए बस ही। और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी 80 डोनेशन डोनेट हो चुका है, ब्लड अभी और भी होना बाकी है। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। साथ ही आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।